तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर है बर्थडे पार्टी। तो 2 किलो पनीर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम पर प्याज। प्याज को पहले अच्छे से प्याज लहसुन अदरक को पहले अच्छे से भून लिया, और ये पहले ही मटर धो के हमने अलग कर लिया है। प्याज लहसुन और अदरक अच्छे से भूनने के बाद जब भूनते भूनते वो लाल हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तब उसको निकाल के अलग कर देना है ठंडा होने के लिए। फिर उसी तेल में मैंने डाला है ये तेज़पत्ता। तेज़पत्ता होने के बाद फिर हम डालेंगे पिसा हुआ टमाटर, ये मैंने अलग किया हुआ ठंडा होने के लिए। प्याज उसके बाद ग्राइंडर में टमाटर को ग्राइंड करने के बाद उसमें तेल में डाल दिया है। उसको अच्छे से भून भून के जब तक तेल ना निकल जाए तब तक भुना हुआ टमाटर। उसके बाद 3 एवरेज मसाला डाला है। फिर उसको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद वो पिसा हुआ, फिर हमें पीसना है प्याज लहसुन अदरक जो हमने भून के अलग किया था, उसको मसाले में डाल लेना है। उसको भूनने के बाद पानी डाल लेना है। फिर क्या बोलते हैं, पनीर और मटर डाल के मिला देना है, पानी डाल देना है। फिर उसको उबलने के बाद फिर हमें डालना है लास्ट में ये क्या, धनिया और मिर्चा डाल देना है। ये इसका स्वाद बहुत अच्छा है।